वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सलोनी और मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के रिकमेंड पे एक और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये वाला वीडियो जो होने वाला वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बन चुका है। भाई अप्रॉक्स 2-3 महीने पहले मैंने इसका ब्लॉग डाला था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और फिर से मुझे सजेस्ट आया है कि आप इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। तो मैं पहुँच गई हूँ एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए जो कि हमारे बिहार के लिए मतलब बोले तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आई हूँ, आपने नाम सुना होगा बट मैं फिर भी बता देती हूँ, मैं आई हूँ कुल्हड़ किंग को एक्सप्लोर करने के लिए। कुल्हड़ किंग में कुछ क्या मिलता होगा, कुल्हड़ से रिलेटेड कुछ मिलता होगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत ही टेस्टी सा चाट, जो कि आप बनारस और लखनऊ में खाए होंगे सेम वैसा आपको चाट मिलने वाला है मुजफ्फरपुर में। तो चलिए, अभी हम लोग आ गए हैं कुल्हड़ किंग को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे सारी बातें करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चाट है और क्या क्या है। सो इस वीडियो को यहीं से करती हूँ स्टार्ट। एड्रेस की मैं बात करूँ तो बीबीगंज यशराज मोटर के बगल में आपको दिख जाएगा कुल्हड़ किंग। वैसे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिए। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं से करती हूँ स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे मेन्यू देख सकते हैं आप, चाट का पूरा मेन्यू है, जैसे कि टमाटर चाट हो गया हाफ फुल, आलू टिक्की चाट, मटर चाट, दही पापड़ी, दही वड़े, पानी पूरी, सारे चाट का आपको यहाँ पर मेन्यू दिख जाएगा। और यहाँ पे जो तवे के ऊपर आप जो आलू देख रहे हैं, ये जो आलू है ये कोई लोकल आलू नहीं है, ये बाहर से यानी कि लखनऊ से मंगवाया गया हुआ ये आलू है, जिसमें आपको जो मॉइस्चराइजर होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण जो टिक्की होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। यहाँ पे अभी चाट जो है हमारा रेडी हो रहा है, तो अभी इसको यहाँ पे गार्निश किया जा रहा है कुछ मसाले के साथ। और यहाँ का बहुत ही स्पेशल जो मैं बोल सकती हूँ वो यहाँ का दही होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि मेरे लास्ट वीडियो जो मैंने बना रखा है यहाँ के चाट का, जिसपे बहुत अच्छा है, तो मैंने इसे ट्राई कर रखी हूँ मैं। तो यहाँ का दही जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, सारा खेल जो बोल सकती हूँ दही का ही होता है। तो ये वो दही है जिसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ का चाट और भी ज़्यादा फेमस और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अभी हमारा चाट जो है वो तैयार हो चुका है, तो चलिए अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर बताती हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। शुद्ध देशी घी का चाट वाले हैं आलू चाट, जो बहुत फेमस है, बहुत ही शुद्ध घी से बना हुआ। इनकी टिक्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है और दही भी बहुत टेस्टी मीठी दही है। इसके ऊपर जो ये डेकोरेट किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चाट ट्राई करने वाले हैं, टमाटर चाट, जो कि बनारस का फेमस चाट होता है टमाटर चाट। तो अभी आपको मिलने वाला है मुजफ्फरपुर में भी टमाटर चाट, जो कि आपको पूरा बनारस वाला टेस्ट देने वाला है। जो यहाँ पे टमाटर चाट जो रेडी हो गया, उसको ऊपर से अभी यहाँ पे नींबू का चाशनी और ये शुद्ध देसी घी डाल के इसको रेडी किया गया है। तो अभी हम लोग ट्राई करेंगे टमाटर चाट, तो चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई कर रहे हैं टमाटर चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है बनारस में। तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं टमाटर चाट, जो कि मुजफ्फरपुर में भी आपको मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, टमाटर की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी से रखी गई है, बहुत ही ज़्यादा मीठा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और इसके ऊपर नींबू का चाशनी डाला गया है, थोड़ा सा उसका टेस्ट आ रहा है और थोड़ा सा जो नमकीन डाला गया है एकदम टेस्टी और लाजवाब है। बनारस का चाट अगर आप मिस कर गए हैं या बनारस आप नहीं गए हैं, तो एक बार आके कुल्हड़ किंग का ये टमाटर चाट ज़रूर ट्राई करें।
अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं दही बड़े, जो कि गर्मियों के सीजन में तो ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पे बड़े रख दिए हैं और उसके बाद इसमें इमली का चटनी रखा गया है और दही की क्वांटिटी यहाँ पे ना भर भर के रखी जाती है। यहाँ मैंने बताया ना आपको कि दही बहुत ही अलग और सारा खेल दही का ही, दही यहाँ का बहुत यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है। वो दही बड़ी में जाए या फिर चाट में, वो चार चांद लगा देते हैं कोई भी डिश में। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप यहाँ के दही बड़े भी और चाट भी, अमेजिंग, लाजवाब। यहाँ की एक चीज बहुत अच्छी है दही, वो चाट में हो या फिर दही बड़े में, दही का एक अलग से टेस्ट आता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बड़े की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्पंजी है, बहुत टेस्टी है, और दही बड़ा बिल्कुल भी एकदम खट्टा नहीं लग रहा है, बहुत मीठा और बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ में मेन्यू में ऐड हुआ है पानी पूरी, तो चलिए उसे भी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है यहाँ का पानी पूरी। गाइस मैं इसमें स्टफिंग की बात करूँ तो आलू के जगह मटर डाला हुआ है और पानी पुदीने की पानी, इमली की पानी हमारे हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा खराब होता है बट पुदीने की पानी गर्मी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इसके अंदर डाला हुआ है पुदीने की पानी जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है। सो गाइस एक चीज यहाँ की बहुत ही अच्छी है कि कहीं पर आप जाते हैं लाइक चाट वाट खाने के लिए तो आपको अपने हाथ में रख के खाना पड़ता है, बट कूलर किंग में आपको एक प्रॉपर टेबल दिया जाएगा, उस पर रख के आप अपना चाट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। सो चलिए अभी हम यहाँ पे, तो अभी हमारे साथ बैठे हैं कूलर किंग के ओनर अभिषेक सर, तो चलिए अभी हम लोग अभिषेक सर से कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कूलर किंग के बारे में। हम लोगों ने किया 15 सितंबर 2023 से, बट ये आइडिया बहुत दिनों से कॉल कर रहा था कि ये कुछ करना है, बिकॉज मैंने जो इंटरमीडिएट है वो लखनऊ से ही किया था, तो लखनऊ के फूड कल्चर से मैं बहुत मतलब अक्वेंटेड था पहले से और उसके साथ को रिलेट भी कर पाता था अपने। तो जब यहाँ पे फूड बिजनेस में हम लोग उतरे तो ये दिमाग में चल रहा था कि वहाँ का टेस्ट यहाँ लेकर के आ। चाट तो स्ट्रीट फूड में ही सही लगता है, और प्लस जो आप वैल्यू फॉर मनी आप दे सकते हो वो स्ट्रीट फूड में दे सकते हैं। आप रेस्टोरों के अंदर चाट खिला के किसी भी गेस्ट को आप वैल्यू फॉर मनी नहीं दे सकते, वैल्यू फॉर मनी तो स्ट्रीट फूड में ही दे पाएंगे, लो कॉस्ट तो वहीं रहे। तो वहाँ से आइडिया, और बनारस का क्योंकि टमाटर चाट फेमस था तो मैंने खाया भी था कई बार काशी चाट वाले के, तो दिमाग में था एक टेस्ट कहीं ना कहीं उसका बैठा हुआ था ब्रेन में, तो उसको भी लेकर के आना था। तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और मैंने भी जैसे वो भी लखनऊ के हैं, हमारा जो रेस्टोरेंट है वहाँ के जो मुगलाई प्लेट्स हैं तो वो भी लखनऊ के हैं, तो ये इसको कोई जल्दी कॉपी भी नहीं करता, आप मसाले और सब कुछ कॉपी भी कर लोगे तब भी नहीं होता है, क्योंकि वो पैशन नहीं होगा जो दूसरा आदमी कोई बनाएगा, इस पैशन से नहीं बनाएगा, जिस पैशन से एक बार आकर ट्राई कीजिए और डिफरेंस आपको फील होगा। आप कुछ भी खा लें वहाँ, जो हमारे 6-7 आइटम्स अभी रनिंग में, उसमें से कुछ भी खा लें, सब कुछ यूनिक है, आपको ये टेस्ट मतलब मुजफ्फरपुर तक या पूरे बिहार में। यस यस डेफिनेटली, थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइस मैंने कूलर किंग का आपको सब कुछ टेस्ट करवा दिया, चाट दही बड़े गोल गप्पे सब कुछ बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अमी था। एक बार ज़रूर आके आप ट्राई कीजिए कूलर किंग में, टमाटर चाट जो भी बनारस नहीं गए काशी का चाट नहीं टेस्ट किए हुए टमाटर चाट, वो एक बार आकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ के आलू टिक्की चाट और बहुत जो भी चाट सारी बहुत ही टेस्टी होती हैं। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो स्विगी और जोमेटो पे भी इनका ये है, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइस चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ ऐसे अमेजिंग और ऑसम ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।